और बहनों, भारत में सुरक्षा की बेहतर स्थिति कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। मसूद अजहर पर हुए फैसले पर वे खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस अपना ही मजाक उड़वाने में लग गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मसूद अजहर को चुनाव के समय ही आतंकी घोषित क्यों किया, बताओ। ये दिल्ली में मेरी कैबिनेट ने निर्णय किया है क्या? ये बीजेपी की वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है क्या? कांग्रेस वालों को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अबू धाबी, यूएई मोदी को अवार्ड देता है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और रशिया मोदी को अवार्ड दे रहा है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका में बैठा हुआ यूनाइटेड नेशन और दुनिया के सब देश मिलकर के मसूद को आतंकवादी घोषित कर देते हैं, उनको बड़ी परेशानी है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएन को ये घोषित करने से पहले कांग्रेस को पूछना चाहिए था क्या? पूछना चाहिए था मैडम जी को? पूछना चाहिए था क्या नामदार जी को? पूछना चाहिए था क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ को यह पूछना चाहिए था क्या कि आप जिनको कभी जी कहकर के बुलाते हो, कभी साहब कहकर के बुलाते हो, क्या हम उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करें कि न करें? क्या ये इजाजत करनी पड़ेगी? क्या उनको पूछना जरूरी था कि वो इनको पूछे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कांग्रेस को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? साथियों, कांग्रेस को लगता है कि मोदी ये सब अपने फायदे के लिए करवा रहा है। सही में कांग्रेस अपने फायदे और नुकसान के अलावा और कुछ भी सोच नहीं सकती है। जिस हेलीकॉप्टर घोटाले में नामदार का परिवार फंसा है, उसके सबसे बड़े राजदार मिशेल मामा को भारत रातों रात उठवाकर अपने यहां ले आता है, तो कांग्रेस कहती है ये मोदी अपने फायदे के लिए कर रहा है। जब देश को लूटकर भागने वालों को ब्रिटेन की अदालत जमानत नहीं देती, जेल भेज देती है, तो कांग्रेस चिल्लाती है कि ये भी मोदी ने अपने फायदे के लिए करवाया। जब हजारों करोड़ लूटने वाले को ब्रिटेन की सरकार भारत भेजने के लिए तैयार हो जाती है, तो भी कांग्रेस कहती है कि ये मोदी ने अपने फायदे के लिए किया है। जब भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारने वाली मिसाइल को परीक्षण करता है, तो भी कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने अपने फायदे के लिए करवाया। जब इस परीक्षण के बाद दुनिया भारत का गौरव करने लगी, कोई नेगेटिव निर्णय नहीं हुआ, बैन नहीं लगाती, समर्थन करती है, तो कांग्रेस कहती है ये भी मोदी ने अपने फायदे के लिए मैनेज कर लिया। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कारोबार में, रैंकिंग में भारत 65% का छलांग लगाता है, तब भी कांग्रेसी कहते हैं
मोदी ने विश्व बैंक की इस संस्थाओं को भी खरीद लिया है। अरे भाई, कांग्रेस वालों को दिन में और रात में दिखता है यार, ये मोदी कितना ताकत वाला है, सब कुछ करवा लेता है। अरे भाई, अगर भारत के पास दुनिया पर दबाव डालने की इतनी शक्ति आ गई है, मुझे बताइए हर हिंदुस्तानी खुश होगा कि नहीं होगा। भारत चाहे ऐसा अगर दुनिया में होता है तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे, आपको आनंद होगा कि नहीं होगा, आपका माथा ऊंचा होगा कि नहीं होगा, आपका सीना चौड़ा होगा कि नहीं होगा। कांग्रेस वालों को बुरा लग रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, जो वो काम 70 साल तक नहीं कर पाए एक चाय वाला कैसे करता है। जरा कांग्रेस वाले गलती से भी घर से निकल करके आपके यहां वोट मांगने के लिए आए तो उनको एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा दे देना कांग्रेस वालों को भेंट में, और उनको कहना अरे यार इतने रोते क्यों हो, ले लो रुमाल, ले जाओ, आंसू पोछने काम आएगा। ये करोगे आप? सारे कांग्रेसी रो रहे हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया, मोदी ये करता है, रो रहे हैं। तो भाई, आपने मुझे जब 25 सीटें दी थी, आप राजस्थान के लोग बताइए, आपने मुझे 25 सीटें दी थी क्या मौज करने के लिए दी है, क्या सोने के लिए दी, क्या ऐश आराम करने के लिए दिया है, क्या जो कर रहा हूं ये करने के लिए दिया है ना, यही करने के लिए मुझे भेजा है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहेंगे वो ही मोदी करेगा। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि वो भी अब यही नारा लगाए, नामुमकिन भी अब, नामुमकिन भी अब। अरे कांग्रेस के लोगों, रोना बंद करो, मोदी क्या कर रहा है उसका अध्ययन करो और खुद भी नारा लगाओ, नामुमकिन भी अब। अरे आप में भी हो सकता है 1% 2% हिम्मत आ जाएगी।